रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीति को बचपन से ही कार्टून और एनिमेटेड मोरल स्टोरीज देखने का बहुत शौक था। वो 23 साल की होने के बावजूद भी कार्टून और स्टोरीज देखा करती थी। उसकी माँ नीलम और पिता श्याम उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और किस्मत से उन्हें विवेक नाम के एक बहुत ही हैंडसम लड़के का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मिल जाता है, जो अपनी माँ शकुंतला के साथ नीति को देखने उनके घर आता है। नीति एक बहुत ही प्यारा सा सूट पहनकर उनके सामने आती है। अरे वाह, यो सूट तो बहुत ही प्यारा है और बेटा तू भी बहुत संस्कारी है। थैंक यू सो मच, आपको पता है ये मेरा फेवरेट सूट है। सभी घर वाले कमरे से बाहर चले जाते हैं और नीति और विवेक आपस में बैठकर बात करते हैं। जी आप YouTube चलाते हैं, स्टोरीज देखते हैं? क्या स्टोरी, कैसी स्टोरी? जी मोरल स्टोरी। आपको पता है मैं ना एक स्टोरी देख रही थी जिसमें लड़के का नाम ना विवेक था और बहुत हैंडसम भी था, बिल्कुल आप जैसा। अरे सच में, मुझे भी बताइए जरा कौन सा मोरल स्टोरी वाला चैनल है, मैं भी देखूंगा। जी YouTube पर मम्मा टीवी, कहानी घर घर की, डेली स्टोरी टीवी, अजब गजब कहानियाँ और ऐसे और भी बहुत सारे मोरल स्टोरीज के चैनल हैं। ओह वाओ, वेरी नाइस, तू बहुत ही बढ़िया है, अब तो मैं भी जरूर देखूंगा। वैसे एक बात कहूँ? जी हाँ जी कहिए ना। आप बहुत ज्यादा क्यूट हैं और मुझे तो बहुत पसंद हैं आप। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और घर वालों की रजामंदी से कुछ ही दिनों बाद विवेक और नीति की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है, पर नीति के कार्टून लव के चलते वो ससुराल में भी अपनी इस आदत को बरकरार रखती है। शादी के बाद नीति अपने ससुराल में भी दिन रात बस मोरल स्टोरीज ही देखा करती, तो वहीं उसके घर का सारा काम बेचारी उसकी सास शकुंतला देवी को करना पड़ता। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन जब उसकी सास घर में पोछा लगा रही होती है, तब नीति बैठकर बेशरम बहू की स्टोरी देख रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंसती है। नीति की सास को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे यो के खी खी करन लाग रही है, तने जरा भी शर्म को नहीं आती? तेरी सास काम करे है और तू महारानी की तरह बैठ के फोन चलावे है। अरे अरे माजी आई है ना, देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। अच्छा ईसा के है इस फोन में? नीति अपनी सास शकुंतला को डेली स्टोरी टीवी की बेशरम बहू की कहानी दिखाती है, जिसे देखकर दोनों सास बहू खूब हंसती हैं। साथ ही उसकी सास उसे समझाती भी है, ए बहू देख कुछ सीख ले इससे, इतना सब होने के बाद भी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली इसने, और तू खुद न देख। हाँ क्या माँ जी, मैं क्या? तू सारा दिन ये स्टोरी देखे जा है और कुछ ना करती, कम से कम घर परिवार ने क्यों कर संभाले हैं यो तो पता चल जाएगा तने। हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, मोरल स्टोरी देखने का फायदा तभी तो होगा जब मैं उसे अपने जीवन में लागू भी करूँगी। हाँ बहू कति सही बात। इस तरह दोनों सास बहू मोरल स्टोरीज देखना शुरू कर देती हैं। वक्त बीतता जाता है, शकुंतला और नीति आए दिन कोई ना कोई नई स्टोरी देखती ही रहती, पर उनकी ये लत इतनी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि ना तो वो दिन देखती ना ही रात देखती, देखती तो सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ। और उनकी इस लत के चलते वो घर का काम करना भी भूल जाती। समय बीतता जाता है और ये सब होता देख विवेक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और ऐसे ही एक दिन विवेक तिलमिलाता हुआ अपनी बीवी और अपनी माँ से कहता है, माँ नीति ये सब क्या है, आप दोनों दिन रात बैठकर बस ये कार्टून देखते रहते हैं और मुझे खाना तक नहीं मिलता, आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? अरे यहाँ भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं पेट में। नहीं हम तो बस यही देखकर अपना पेट
पेट भर लेते हैं। अच्छा तो सही है फिर, कल से मैं भी कमाना छोड़ देता हूँ, सब कार्टून देखकर ही पेट भर लेंगे। बोलो ठीक है। हाँ बेटा, देख तो जरा कितना बढ़िया है, बहुत मजा आवेगा, ले तू भी देख। माँ मैं बच्चा नहीं हूँ जो ये कार्टून देखूँ। अरे बेटा गुस्सा मत करे, मैं इब्बे कुछ बना दूँ तेरे खान ताई। आड़े आ, और यह कहानी देख, माँ का दिल देख, यो छोरा भी तेरी तरिया अपनी माँ ते गुस्से से बात करे है, फिर देख इसकी गेला के होया। अरे मुझे नहीं देखनी ये सब बकवास यार। आइए ना देखिए, ये वही ममा टीवी की स्टोरी है माँ का दिल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो दोनों जबरदस्ती विवेक को माँ का दिल कहानी दिखाती है, जिसके बाद उसकी आंखों में पानी आ जाता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर आप पर चिल्ला दिया, पर आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना माँ। अरे मेरे लाल रो मत, मैं कितने नहीं जाती तने छोड़ के, आड़े हूँ तेरे पास। और ये लीजिए आपका खाना, जल्दी से खा लीजिए। इस तरह उनका बेटा विवेक भी कहानियाँ देखना शुरू कर देता है। वक्त बीतता जाता है और पूरा परिवार एक साथ मिलकर मोरल स्टोरीज देखने लगता है। ऐसे ही एक दिन संडे को सभी बैठकर कहानी घर घर की चैनल पर गर्भवती बहू की कहानी देख रहे होते हैं कि तभी वहां पड़ोस की आंटी उनके घर आ जाती है और वो भी उनके साथ बैठकर पूरी कहानी देखती है, जिसके बाद शकुंतला कहती है, यो बढ़िया थी ना, यो देखा करे हम, और नई दुनिया में किसे किसे लोग रिया करे, यो भी इन वीडियो में देखा है मैंने। हाँ हाँ चंगी तो है, पर इस चैनल दिया सब स्टोरियां चंगिया होन गया, भला इस गलती की गारंटी है, एक अद्धी स्टोरी तो हर किसी दे चंगी हुंदी है। अरे आंटी जी फिर तो आप बहुत बड़ी भूल कर रही है, ये देखिए काली और गोरी बहू, ये भी अच्छा है, इसे देखिए। वो उन्हें अजब गजब कहानियां चैनल खोल कर दिखाती है और काली बहू गोरी बहू की कहानी दिखाती है, जिसके बाद उन पड़ोस वाली आंटी को यकीन हो जाता है कि ये सारे चैनल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं और कितनी अच्छी स्टोरीज दिखाते हैं। हाँ जी आंटी जी कैसी लगी फिर स्टोरी? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हुंता मैं डेली स्टोरी देखांगी। अरे स्टोरी दे चक्कर च मैं तो दसना ही भूल गई कि मैं इत्थे क्यों आई सी, और दरअसल गल ले है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है। अरे वाह तने बहुत बधाई हो, अर्जा इब अपनी बहू का ख्याल रख। हाँ हाँ हुण मैं जानदी हां, ए कहानी देखन दे बाद ते मिन्नू मेरी नूह दा होर ख्याल रखना चाहिदा है। चंगा फिर मैं कल मिठाई लेके आऊंगी, बाय। इस तरह वो आंटी भी अपने घर जाकर कहानियां देखना शुरू करती है और पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती है। फिर क्या था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर मम्मा टीवी कहानी घर घर की अजब गजब कहानियां और डेली स्टोरीज के चैनल की सारी कहानियां देखना शुरू कर देता है और नीति का ये कार्टून के प्रति क्रेज सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है और उनका परिवार भी इस तरह रोजाना हर एक नई कहानी देखकर उससे कुछ सीखता और उसे अपनी जिंदगी में अच्छे ढंग से प्रयोग में लाता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कार्टून वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से कार्टून की शौकीन हो? अगर हाँ तो हमें जल्दी से बताइए ना। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।